हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर वन, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, जिसको कहते हैं हिंदी में शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार, क्या आपको पढ़ना है पेपर वन सोशियोलॉजी में बीए फिफ्थ सेमेस्टर में। तो सुनिए ध्यान से, पेपर वन कौन सा है सोशियोलॉजी, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार यानी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, यही आपका प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र है जो आपको पढ़ना है और उसी का सिलेबस आज मैं पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं पूरा सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगी, जो स्टूडेंट्स जिसमें पढ़ते हैं दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी। तो दोनों बच्चे वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और अपने सिलेबस को पूरा जानने का प्रयास करेंगे। 8 मिनट्स आपकी होती है, ये आप जानते हैं, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जब से आपका सिलेबस हुआ है सेमेस्टर वाइज, तो आपको 8 यूनिट्स ही पढ़नी है अपने हर सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो ये वीडियो में सिर्फ हम आपका पेपर वन का सिलेबस डिस्कस करेंगे और जल्द ही इसकी क्लास शुरू की जाएगी चैनल पे, और पेपर टू का जो सिलेबस होगा आपका वो भी जल्द डिस्कस किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में तो उसका सिलेबस डिस्कस हो चुका है और उसकी यूनिट्स भी एक सिक्वेंस में आने लगी है चैनल पे, तो आप उसको विजिट करके भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का वीडियो। तो यूनिट नंबर वन है आपका इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस मतलब होता है उद्भव होना, और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, आप तो ये बात जानते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं और आप ये जान रहे हैं कि समाजशास्त्र पहले एज अ सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, और उन 1838 ईस्वी में अगस्त क्रांति ने सबसे पहले समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में उसका नाम दिया, सोशियोलॉजी उसको नाम दिया, समाजशास्त्र उसको नाम दिया। तो उसके पहले भी तो समाजशास्त्र पढ़ा जा रहा था, लेकिन समाजशास्त्र नाम से एक अलग से विषय के रूप में नहीं पढ़ा जा रहा था। तो एकदम पूरे संपूर्ण पूर्व का जो इतिहास है समाजशास्त्र का, उसमें आपको जाकर पढ़ना है एकदम स्टार्ट से, कि आप पूरा प्राचीन काल से समाजशास्त्र अगर था तो कैसे था, किस तरह पढ़ा जा रहा था, कैसे उसका अध्ययन हो रहा था, किस रूप में हो रहा था। और फिर जब 1838 में अगस्त क्रांति ने इसको समाजशास्त्र का नाम दिया, इसका विकास एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैला, तो सारी चीज़ें संपूर्ण इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर वन में, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का उद्भव। देखिए यहाँ पे सिलेबस जो मैंने नोट किया है वो इंग्लिश में किया है, मगर एक एक पॉइंट को मैं हिंदी में भी बोलूँगी, इसलिए जो हिंदी में पढ़ते हैं वो चाहें तो नोट करते रहेंगे। आप लिखिए यूनिट नंबर वन में सबसे पहला टॉपिक है आपका समाजशास्त्र का उद्भव, आपको ये पढ़ना है। फिर आपको देखिए कॉमा लगा हुआ है, कॉमे पर ध्यान दीजिएगा। फिर अगला देखिए इंटेलेक्चुअल सोर्सेज, इंटेलेक्चुअल को हिंदी में कहते हैं बौद्धिक, सोर्सेज को कहते हैं स्रोत, सोर्स को क्या कहते हैं स्रोत, तो इंटेलेक्चुअल सोर्सेज यानी बौद्धिक स्रोतों के आधार पर हम जानेंगे कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। यानी कि हम ये देख रहे हैं ना कि समाजशास्त्र का उद्भव हमें पढ़ना है, तो बौद्धिक स्रोतों के आधार पर, इंटेलेक्चुअल सोर्सेज के बेसिस पर हमें देखना है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद देखिए इनलाइटेनमेंट, इसका मतलब होता है ज्ञान योदय या पुनर्जागरण के आधार पर समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखना है। यानी कि अलग अलग जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल सोर्सेज या इनलाइटेनमेंट, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं इन सभी के आधार पर जो समाजशास्त्र का उद्भव रहा है और जो विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आपको यूनिट नंबर वन में पढ़नी है। उसके बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है और फिर दिया है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हिंदी में कहेंगे कि दर्शन शास्त्र का इतिहास, यानी कि दर्शन शास्त्र के इतिहास जो है, दर्शन शास्त्र का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है फिलॉसफी की, तो उसका जो हम अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन में समाजशास्त्र के बारे में हमें क्या पता चलता है और किस तरह से उसमें समाजशास्त्र का विकास हुआ, ये हमें पढ़ना है। यानी कि दर्शन शास्त्र के इतिहास के अंदर भी समाजशास्त्र के बारे में हमें क्या अध्ययन करने पर पता चलता है और उसका विकास किस तरह से हुआ है, वो हमें जानना है। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको पढ़नी है इसमें, क्योंकि समाजशास्त्र पहले एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, तो जब ये सारे सब्जेक्ट थे इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा होता था समाजशास्त्र एक टॉपिक के रूप में,
तो वही सारी चीज़ें एक अलग अलग चीज़ों के रूप में पढ़नी है कि फिर समाजशास्त्र कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में सामने आ गया। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अगला देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, जो राजनीतिक इतिहास, देखिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ इसलिए हिंदी वाले नोट कर लेंगे कॉमा लगा लगा कर एक चीज़ को, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास जो रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से इसमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ यानी कि इस राजनीति इतिहास के बारे में जानेंगे समाजशास्त्र के उद्भव के संदर्भ में सारी चीज़ें। अगला देखिए इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट, यहाँ पर देखिए मैंने पॉलिटिकल लिखा हुआ है, सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल मतलब सामाजिक एंड और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, रिफॉर्म मतलब क्या होता है सुधार होता है और मूवमेंट मतलब आप जानते हैं कि आंदोलन होता है, यानी कि जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाए गए उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और समाज का क्या दृश्य बदला इन सभी सुधार आंदोलनों के द्वारा, सोशियोलॉजी के संबंध में हम इसका भी अध्ययन करेंगे यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। उसके बाद है रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। अच्छा देखिए यहाँ तक जो आपने देखा उसके बाद अगला इसी में टॉपिक आपका आता है क्रांति। क्रांति के अंदर आपको दो क्रांतियाँ देखनी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब फ्रांस की क्रांति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी 18वीं शताब्दी में। तो देखिए विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हुई उनके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का उदय हुआ और फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है सोशियोलॉजी के उद्भव पर। तो किस तरह से इनका प्रभाव पड़ा और समाजशास्त्र के उद्भव पर, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो ये दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जो कि आपको पढ़नी है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाजशास्त्र के विकास में। तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 में आपका टॉपिक है पहला ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे आप जानते हैं कि समाजशास्त्र के पिता हैं जिन्होंने सबसे पहले 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया। इन्होंने ही नाम दिया सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। तो ऑगस्ट कॉम्टे की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, उनको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म पढ़ना है, यानी कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा क्या है, इसके इस पर क्या विचार ऑगस्ट कॉम्टे ने दिए हैं और प्रत्यक्षवाद की क्या विशेषता रही, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसमें सिद्धांत है वो भी ऑगस्ट कॉम्टे का ही सिद्धांत है, जो है कि हाई रेरकी, द हाई रेरकी ऑफ साइंस। हाई रेरकी मतलब होता है पदानुक्रम यानी एक सिक्वेंस में, एक क्रम में। द हाई रेरकी ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान का पदानुक्रम। देखिए विज्ञान के विकास के बारे में कि जिसका विकास पहले हुआ, जैसे कि मान लीजिए विज्ञान कई तरह के हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान, गणित है, ये सारे क्या हैं, विज्ञान ही हैं। तो सबसे पहले इसमें से किस विज्ञान का विकास हुआ, कौन सा विज्ञान पहले आया जिसका विकास हुआ, उसके बाद कौन सा विज्ञान आया उसका विकास हुआ, उसके बाद कौन सा विज्ञान आया उसका विकास हुआ, यानी कि द हायरार्की ऑफ साइंस। हायरार्की मतलब पदानुक्रम ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान का एक एक क्रम में, सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, ये आया, ये आया, इन सभी का विकास कैसे कैसे हुआ एक सिक्वेंस में जानेंगे, एक क्रम में जानेंगे। और उनमें जिस तरह से समाजशास्त्र का उसके बाद विकास हुआ वो देखेंगे, यानी कि सभी साइंस के बाद जा करके जिस क्रम पे समाजशास्त्र का विकास हुआ वो जानेंगे। जितने भी प्रकार के विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस ये भी तो विज्ञान है, जैसे कि जो भी विज्ञान है, सोशल साइंस, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस मतलब तीन चरणों का कानून। ऑगस्ट कॉम्टे का ही ये तीसरा सिद्धांत आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में,
लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस यानी तीन चरणों का कानून जो है ऑगस्ट कॉम्प्टे ने इस पर विचार प्रस्तुत किए वो देखना है, यानी कि यूनिट नंबर टू में ऑगस्ट कॉम्प्टे का पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद देखना है, द हायरार्की ऑफ साइंस यानी कि विकास विज्ञान का पदानुक्रम देखना है, और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस यानी कि कानून के तीन चरण ये देखना है ऑगस्ट कॉम्प्टे का। ये सारे इनके सिद्धांत हैं। इसमें दूसरे मेन जो समाजशास्त्री हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का भी बहुत ज़्यादा योगदान है समाजशास्त्र के इतिहास में और इसके विकास में। तो इसमें सबसे पहला हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत आपको पढ़ना है वो है सोशल इवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म। सोशल इवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म। देखिए सोशल इवोल्यूशन यानी कि सामाजिक विज्ञान की थ्योरी आपको पढ़नी है। दूसरा है सामाजिक डार्विनवाद के बारे में आपको पढ़ना है, सोशल डार्विनिज्म यानी कि सामाजिक डार्विनवाद के बारे में। देखिए डार्विन एक ये भी विद्वान थे, इन्होंने जीवों के विकास के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं। डार्विन एक विद्वान थे, उन्होंने जीवों के विकास के बारे में पूरा अपना विचार प्रस्तुत किया है। उसी जीवों के विकास को आधार बना करके हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। फ़र्क बस इतना है दोनों के सिद्धांत में कि डार्विन जो थे उन्होंने जीवों को अपना आधार बनाया और उसके इतिहास उसके विकास पर विचार प्रस्तुत किए, इन्होंने जिराफ पर शोध किया, और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने मनुष्य पर शोध किया कि मनुष्य का किस तरह से विकास हुआ है समाज में, इन सब बारे में उन्होंने लिखा विचार प्रस्तुत किए। तो इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल इवोल्यूशन यानी इसका सिद्धांत देखना है और सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत देखना है यानी सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। तो यूनिट नंबर टू में आपको दो समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्प्टे और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत आपको देखने हैं। यूनिट नंबर थ्री देखिए, उम्मीद करती हूँ यूनिट नंबर टू तक आप समझ गए होंगे। सभी पर वीडियोज अपलोड होंगी एक क्रम में, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। यूनिट नंबर थ्री देखिए, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र में, क्योंकि ये भी बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो इनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देखिए इमाइल दुर्खीम के बारे में आपको यूनिट नंबर थ्री में देखना है। इनके द्वारा दिए गए जो भी सिद्धांत है, जो विचारधारा है, जो अवधारणा है वो देखना है आपको, जिसमें कि इमाइल दुर्खीम की सबसे पहली अवधारणा आपको देखनी है सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट, या आप कहिए कॉन्सेप्ट सोशल फैक्ट की थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य का सिद्धांत जो इमाइल दुर्खीम ने दिया। उसके बाद है मैकनिकल सॉलिडैरिटी। मैकनिकल सॉलिडैरिटी का सिद्धांत, इसका मतलब है यांत्रिक एकजुटता का सिद्धांत। मैकनिकल मतलब होता है यांत्रिक, सॉलिडैरिटी मतलब होता है एकजुटता, यानी कि यांत्रिक एकजुटता का सिद्धांत जो इमाइल दुर्खीम ने दिया ये देखना है आपको। एंड ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, ऑर्गेनिक मतलब होता है जैविक, सॉलिडैरिटी मतलब होता है एकजुटता। तो इमाइल दुर्खीम का ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी की का कॉन्सेप्ट देखना है यानी कि जैविक एकजुटता का सिद्धांत देखना है। ये सारे इनके सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए प्रश्न पत्र जब आपका एग्ज़ाम होगा तो सभी पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद इमाइल दुर्खीम की जो अवधारणा है जिसमें वो सबसे ज़्यादा अपनी अवधारणा पेश की वो है सुसाइड कॉन्सेप्ट, यानी कि इन्होंने आत्महत्या का जो सिद्धांत तो बता दिया उसके बारे में देखना है, यानी सोशल फैक्ट, मैकनिकल सॉलिडैरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी एंड सुसाइड, ये चार तरह के सिद्धांत या अवधारणा इमाइल दुर्खीम के यूनिट नंबर थ्री के अंतर्गत देखना है आपको, पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर फोर में। यूनिट नंबर फोर में आपको वेलफेड्रो प्लेटो के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत महान समाजशास्त्री रहे हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र के विकास में। तो विल्फ्रेडो पेरेटो के क्या सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं? सबसे पहला है एक्शन का सिद्धांत इनका। एक्शन यानी कि क्रिया पर इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया उसके बारे में देखना है। अब क्रिया पर जो इन्होंने विचार दिया उसमें दो तरह के विचार हैं, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, यानी कि
लॉजिकल मतलब तार्किक एंड नॉन लॉजिकल मतलब गैर तार्किक एक्शन, यानी कि तार्किक विचार, तार्किक क्रिया और गैर तार्किक क्रिया, ये आपको देखना है। दूसरा है रेसिडुअल्स एंड डेरिवेटिव्स, देखिए यानी कि अवशेष और व्युत्पत्ति का सिद्धांत जो विल्फ्रेडो प्रेटो ने दिया है वो आपको देखना है यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। अब आ जाइए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में कार्ल मार्क्स, ये भी बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महान योगदान समाजशास्त्री रहे हैं, जिनका योगदान राजनीतिशास्त्र और सोशियोलॉजी दोनों में बहुत अधिक आप देखते हैं, इनका नाम हमेशा आप देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये समाजशास्त्री हैं, बहुत एग्जाम में ज़रूर आता है यहाँ से। देखिए कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत आपको पढ़ना है वो है डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, यानी कि द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए कार्ल मार्क्स जो थे वो क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के ऊपर उन्होंने अपने बहुत अधिक विचार दिए हैं कि समाज में दो प्रकार की जाति होती है, एक बहुत ऊंची होती है और एक बहुत नीची होती है, निम्न होती है, तो दोनों के मध्य जो भी होने वाला संघर्ष होता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अधिक विचार दिए हैं, जो कि आपको देखना है इसी यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। उसके बाद है तीसरा सिद्धांत थ्योरी ऑफ एलिनेशन यानी कि अलगाव का सिद्धांत। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये भी हम देखेंगे जब यूनिट नंबर 5 पर चर्चा की जाएगी, तो एक एक सिद्धांत को देखा जाएगा। अब आ जाइए यूनिट नंबर 6 पर। यूनिट नंबर 6 में आपको मैक्स वेबर, ये भी महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे हैं, याद रखिएगा जितने भी महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, महान समाजशास्त्री हैं, उनके द्वारा जो दी गई अवधारणाएँ हैं उन्हीं को आपको देखना है अपने इस सिलेबस के अंतर्गत, पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मैक्स वेबर का सिद्धांत है सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत देखना है आपको। दूसरा सिद्धांत है पावर एंड अथॉरिटी यानी कि शक्ति और अधिकार का सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है मैक्स वेबर का जो आपको पढ़ना है। तीसरा है प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट का मतलब जो कि आपने देखा पढ़ा पिछली बार आप लोगों ने 4 सेमेस्टर में हिस्ट्री में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था कि कैथोलिक धर्म में बहुत ज़्यादा बुराइयां हो गई थी, तो उसके सुधार के लिए मार्टिन लूथर ने क्या किया, आंदोलन चलाया, प्रोटेस्टेंट आंदोलन चलाया और फिर ये एक धर्म के रूप में उभर कर सामने आता है। तो जो भी प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं यानी प्रोटेस्टेंट की जो भी नैतिकता है, जो नीति थी जिसके द्वारा कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को समाप्त किया गया, तो उन सभी नीतियों के बारे में आपको इसमें देखना है। एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का सिद्धांत, पूंजीवाद की आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, यानी कि पूंजीवाद की आत्मा का सिद्धांत, ये मैक्स वेबर का है जो कि आपको यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत देखना है। तो उम्मीद करती हूँ यूनिट नंबर 6 तक आप एक एक टॉपिक को समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 देखिए G.M. मीड, ये भी समाजशास्त्री थे, इन्होंने देखिए इनके जो सिद्धांत हैं उसमें है सिंबॉलिक इंटरैक्शन का सिद्धांत यानी कि प्रतीकात्मक अंतक्रिया का सिद्धांत देखना है G.H. मीड का। दूसरा इन्हीं का सिद्धांत है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी यानी कि स्वयं और मैं का कॉन्सेप्ट या स्वयं और मैं की जो अवधारणा इन्होंने पेश की है, जिन्होंने पूरा विचार उस पर प्रस्तुत किया है उसके बारे में, सेल्फ मतलब स्वयं, मी मतलब मैं, तो इसकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है यूनिट नंबर 7 में। अब देखिए यूनिट नंबर 8 है आपका, जिसमें आपको टैलकॉट पर्सन्स, इनका सिद्धांत देखना है एक्शन एंड बिहेवियर का सिद्धांत यानी कि कार्य और व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। तीसरा है पैटर्न वेरिएबल्स यानी कि पैटर्न चर का सिद्धांत, टैलकॉट पर्सन्स का आपको देखना है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में ही दूसरे समाजशास्त्री हैं R.K. मेल्टोन, इनका आपको सिद्धांत देखना है मिडल रेंज थ्योरी यानी कि मध्य श्रेणी का सिद्धांत। दूसरा है मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शन यानी कि प्रकट और अव्यक्त कार्य का सिद्धांत। तो यूनिट नंबर 8 तक उम्मीद करती हूँ आप पूरा सिलेबस देख चुके हैं और आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हिंदी में जो मैंने बताया उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा।
तो अब बस नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लास जल्द शुरू की जाएगी और आपके जो पेपर 2 का सिलेबस है उसको भी जल्द चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।